हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टोस्टी बाइट्स। नवरात्रि चल रही है और अष्टमी और नवमी आने वाली है। चलिए आज सीखते हैं सूजी का हलवा बहुत ही अलग ढंग से हम बनाएंगे और साथ में काले चने जो हमें प्रसाद में चढ़ाने हैं। चलिए पहले बनाते हैं हलवा। ये हलवा है तो सूजी का, पर थोड़े अलग ढंग से बनेगा। हमारे नॉर्मल तरीके से जो हम बनाते हैं उससे थोड़ा अलग। इसे माकंडी हलवा भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये बढ़िया सा सुपर टेस्टी हलवा। इस सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस हलवे को बनाने के लिए हमें लगेगी सूजी। इसी के साथ में हम लेंगे चीनी। चीनी के साथ में हमें लगेगा घी और इसी के साथ में हमें लगेगा दूध। साथ में हम लेंगे इलायची थोड़ी सी पिसी हुई और थोड़े से ड्राई फ्रूट। हम लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे एक कप सूजी और इसी में हम डालेंगे दो कप दूध। जिस भी कप से हमने सूजी ली है उसी कप की मेजरमेंट से हमें डबल दी क्वांटिटी दूध लेना है। सूजी और दूध को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी और दूध के इस घोल को हम ढक कर 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तो सूजी और दूध के इस घोल को मैं ढक कर 2 घंटे के लिए भिगो के रख रही हूँ। 2 घंटे हो चुके हैं। चलिए देखते हैं अपने सूजी और दूध के घोल का हाल। आप देख सकते हैं इसमें सूजी बहुत ही अच्छे से फूल गई है और हमारा जो सूजी और दूध का घोल है वो बहुत अच्छे से बढ़िया सा बन चुका है। अब हम लेंगे एक मोटे तले का पैन और उसमें डालेंगे 1 कप घी। घी के मेल्ट होते ही इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी और बहुत ही हल्का सा हिलाएंगे और लो फ्लेम पे चीनी को कैरमलाइज होने देंगे घी के अंदर। आप देख सकते हैं हमारी चीनी कैरमलाइज होने लग गई है। हमें इसको लो फ्लेम पे ही करना है ताकि चीनी जले ना। और बहुत ही हल्के हाथों से अब हम इसको हिलाएंगे और अच्छे से चीनी को इसमें मिक्स कर देंगे। चीनी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है घी में और बहुत ही बढ़िया कैरमलाइज हो गई है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे अपना सूजी और दूध का मिक्स और लगातार हिलाते रहेंगे और इसको अच्छे से कैरमलाइज शुगर में मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो पे ही रखना है और लगातार इस मिक्सचर को हिलाते रहना है ताकि हमारे सूजी और दूध का घोल कैरमलाइज शुगर में सॉलिडिफाई ना हो जाए। हमें इसको लगातार अच्छे से हिलाते हुए मिक्स कर देना है और बिल्कुल पूरे घोल को इमल्सिफाई कर देना है। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसको ढक के रखेंगे कम से कम 15 मिनट के लिए पकने के लिए। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे हलवे के साइड से घी रिलीज होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर और साथ ही में कुछ कटे हुए चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। इस सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से करीबन 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि इलायची और ड्राई फ्रूट अच्छे से इसमें अपने फ्लेवर्स छोड़ना शुरू कर दे और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आए। वाओ, आप देख सकते हैं हमारा सुपर टेस्टी सुपर सॉफ्ट हलवा बिल्कुल तैयार है कैरमलाइज शुगर में। इसे सर्व करने के लिए मैं एक बाउल में डाल रही हूँ नीचे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अपना सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी हलवा। बस अब इसे एक प्लेट में उल्टा करके रख देंगे और वाओ, हमारा हलवा बहुत ही डिलीशियस बहुत ही टेस्टी दिख रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। रेडी है ये हमारे प्रसाद के लिए। आप इस अलग ढंग के सूजी के हलवे को कैसे भी सर्व कर सकते हैं, कैसे भी माता रानी पे चढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अलग ढंग से बनता है लेकिन बहुत ही टेस्टी और लजीज होता है। इस बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी छोटी छोटी कंजकों को और आपके घर वालों को ये प्रसाद बहुत ही टेस्टी लगेगा। चलिए अब बनाते हैं प्रसाद वाले काले चने।
प्रसाद वाले काले चने बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी काला चना। इन्हें हमें अच्छे से धो लेना है और फिर हमें इसको भिगो के रखना है। मैंने चनों को धो लिया है और इसमें पानी डाल के रखा है। इसे हमें ओवरनाइट भिगोना है या कम से कम 8 से 10 घंटे भिगोना है। तो मैं इन्हें ढक के रख रही हूँ ओवरनाइट भिगोने के लिए। ओवरनाइट भिगे हुए चनों को हम उबालेंगे थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी मोटी इलायची, दालचीनी और नमक के साथ कुकर में कम से कम 5 से 6 सीटी लगने तक, ताकि हमारे चने अच्छे से गल जाएं। मैंने अपने चनों को उबाल लिया है कुकर में बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी के साथ में। मेरे चने बहुत ही बढ़िया से गल गए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके साथ लूँगी कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ अदरक। साथ ही में एक बाउल में मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च। इसके साथ में डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया, ये ऑप्शनल है, अगर आप धनिया खाते हैं प्रसाद में तो ज़रूर डालिएगा। इसके साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी आमचूर पाउडर और गरम मसाला। साथ ही में इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी और एक स्मूथ सा पेस्ट वाला मसाला तैयार कर लूँ। अब हम लेंगे एक पैन जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल और ऑयल के गर्म होने पे इस पे जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा के पॉपअप होने पर इसमें हम डालेंगे हमारा पेस्ट वाला मसाला और इस मसाले को हम अच्छे से सॉटे करेंगे। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हमारी चॉप्ड हरी मिर्च और चॉप्ड जिंजर, थोड़ा सा नमक। इस सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे मसाले ने ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया है। हम अच्छे से अपने मसाले को मिक्स करेंगे और जैसे ही अपना ऑयल रिलीज करना शुरू कर देगा, इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे हमारे उबले हुए चने। चने डाल के हम इसे अच्छे से सॉटे करेंगे और अच्छे से सॉटे कर लेने के बाद में जब इस पे सारा मसाला लग जाएगा, इसके बाद हम इसको ढक के कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। लीजिए, हमारे प्रसाद वाले चने हैं रेडी। इसको गार्निश करेंगे हम धनिया, कटे हुए धनिया से। और चलिए हलवे के साथ चढ़ाते हैं हमारे चने माता रानी पर। इस नवरात्रि, अष्टमी या नौमी पर ज़रूर ट्राई कीजिए ये अलग ढंग का सूजी का हलवा और साथ ही में ज़रूर बनाइए ये मसालेदार चने। गारंटेड सबको बहुत ही पसंद आएगा और माता रानी को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसी ही बढ़िया रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को टोस्टी बाइट्स को, या तो फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। जय माता दी।
लीजिए, हमारे प्रसाद वाले चने हैं रेडी। इसको गार्निश करेंगे हम धनिया, कटे हुए धनिया से। और चलिए हलवे के साथ चढ़ाते हैं हमारे चने माता रानी पर। इस नवरात्रि अष्टमी या नौमी पे ज़रूर ट्राई कीजिए ये अलग ढंग का सूजी का हलवा, और साथ ही में ज़रूर बनाइए ये मसालेदार चने। गारंटीड सबको बहुत ही पसंद आएगा और माता रानी को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसी ही बढ़िया रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को टोस्टी बाइट्स को, या तो फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। जय माता दी।